So, limitations of Rutherford's atomic model. So, हमने मॉडल में बहुत सारी चीजें देखी. तो रदरफोर्ड का लिमिटेशन, पहले तो आप देखिए रदरफोर्ड क्या बता रहे थे. रदरफोर्ड अज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स रोटेट इन अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन एनी नेगेटिवली चार्ज. मतलब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किसकी तरह बताया, एक सोलर सिस्टम की तरह बताया जिसमें प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. किसके? सन के. तो सन इज न्यूक्लियस एंड द प्लैनेट्स आर लाइक व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप फिजिक्स में लर्न करेंगे, पूरी एक थ्योरी है यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ. व्हेन एनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज, आप देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है किसके इर्द गिर्द? प्रोटॉन के इर्द गिर्द कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है. तो इफ इट इज लाइक सच, इफ कंटिन्यूअसली मतलब इफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली मूविंग, इट कंटिन्यूअसली लूजेज एनर्जी. मतलब वो कुछ एनर्जी लूज करता रहता है. और एक टाइम एंड वन टाइम विल कम, कौन सा टाइम रहेगा प्लीज आप देख सकते हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली मूव करता है, आप दूसरे डायग्राम में देखिए, देखिए ये कंटिन्यूअसली मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता 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 करता, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ मर्ज हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. हमारा एटॉमिक मॉडल कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही रहेगा और बीच में ही न्यूक्लियस रहेगा, ये हमें मालूम है. लेकिन ये जो थ्योरी आई, ये दूसरे साइंटिस्ट ने बताई, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इफ इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, वन टाइम विल कम व्हेन इट विल गो एंड इट विल मर्ज इन टू द न्यूक्लियस. सो रदरफोर्ड मॉडल वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. मतलब ये इस तरह का मॉडल तो हमें पहले से मालूम है, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से चले तो वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट चल के देखते हैं कि दूसरा उनका लिमिटेशन क्या रहेगा. रदरफोर्ड वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम. चलिए मान लीजिए ये एक हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, दो है तो ठीक है, तीन चार पांच, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहेंगे? वो एक ही ऑर्बिट में घूमते रहेंगे या तीन चार ऑर्बिट्स रहेगी? तो ये चीज हमें रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम. और आगे चल के हम एक दूसरी थियोरी देखेंगे जो लिमिटेशन कवर कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल. मतलब कौन सी ऐसी चीजें थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है, लूज करता है. इसके चल के हम एक दूसरी यहाँ पे थ्योरी पे हम जाएंगे, वो हम देखेंगे अगले सेशन में. तो ये था लिमिटेशंस.